थैंक यू सो मच टेली रिपोर्टर मेरे लिए केक लाने के लिए, इतनी ज़्यादा मतलब ट्रैवल करके आप मेरे घर तक पहुँचे मेरा बर्थडे मनाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई हैं, मेरे बहुत सारे फैंस जो जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। वो बाद में खुलते हैं, पहले केक काट लेते हैं। तो ये है, हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू सो मच टेली रिपोर्टर, गॉड ब्लेस यू। सो ये तो ये टेली रिपोर्टर्स के लिए मेरी तरफ से केक है, प्लीज लीजिए। बहुत जनरली बताऊं मैं तो, बर्थडे एक ऐसा दिन है, मैं सीरियसली मैं अपने व्हाट आई डू, आई जस्ट सिट अलोन, और मैं कुछ सेलिब्रेट करता नहीं हूँ, अंदर से फील नहीं आता, क्योंकि सोचता हूँ कि क्या ऐसा अच्छा किया मैंने जो मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। इस दुनिया में आकर मैंने ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जो आई शुड सेलिब्रेट दैट, लेकिन हाँ मेरे जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, मेरी फैमिली है, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, सरप्राइज करते हैं। तो जो भी होगा प्लान्स जो भी होंगे वो आई थिंक मेरी फैमिली उन्हीं के दिल में है, वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन हाँ उससे पहले मैं आई एम गोइंग टू शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए, बर्थडे से दो दिन पहले मैं जाऊँगा, वो एक है मेरी तरफ से कि आशीर्वाद लेकर आऊँगा, ताकि अगले साल ऐसा कुछ मैं करूँ, ताकि जब नेक्स्ट ईयर मेरा बर्थडे है तो मेरे मन से इच्छा हो कि नाउ आई शुड सेलिब्रेट, बिकॉज कुछ तो अच्छा किया है लाइफ में। तो बस यही है मेरी तरफ से, और कुछ ज़्यादा प्लान है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये बताई नहीं जाती, यू नो मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि मैं अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मैं बताऊँगा, या फिर मैं मीडिया के सामने उनको लेकर जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी चीज़ें जितनी ही बंद पड़े के पीछे हों उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये ना कोई दिखावा है, ये ना कोई शो ऑफ है, ये ना कोई ये बताना है कि मैं इस लायक बन गया हूँ, कि मैं आज कुछ सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जितना भी कर ले, जो ज़रूरतमंद है, उतना ही कम है। तो कभी ये अंदर फील नहीं आना चाहिए कि मैं आज इस लायक बन गया हूँ, तो मैं आज 10 लोगों को खाना खिला रहा हूँ, कपड़े दे रहा हूँ, इट्स ओके यार, ये तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन अगर ऐसा इंसान के अंदर फील आता है, तो मुझे लगता है कि तो फिर हम तो भगवान बन गए, क्योंकि हम सब के लिए तो जो कर रहा है, जो रोज़ी रोटी हमको दे रहा है, हमें दे रहा है, यहाँ सड़क पर रहते हैं उनको दे रहा है, वो भगवान तो दे रहा है ना उनको, तो क्या खास किया हमने। और अगर ऐसा फील आ रहा है कि हमने ऐसा कुछ कर दिया, तो फिर आई थिंक वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक वी आर गॉड, सो वी आर ह्यूमन। तो मैं जो कुछ भी करूँगा, आई थिंक वो मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही रहेगा, आई नेवर शेयर दोज थिंग्स। थोड़ा सा ब्रेक मिला है, और मैं चाहता भी था कि थोड़ा सा ब्रेक मिले, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ऊपर वाले कृपा से काम कर रहा था, और आई एम श्योर बाय द ग्रेस ऑफ माई गॉड आई काम आगे मिलता रहेगा और अच्छा काम करता रहूँगा। बट हाँ, फ्री समय में मैं आई वॉच फिल्म्स, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मैं लिखता हूँ बहुत ज़्यादा, लिखना मुझे अच्छा लगता है, और म्यूज़िक थोड़ा सा सुन लेता हूँ, गाने गा लेता हूँ, सबको पता है कि गाना गाना मुझे पसंद है, तो ये सब चीज़ें हैं। और अपनी फैमिली के साथ जो टाइम है वो जो बताना चाहिए, जो काम शुरू होने पर नहीं मिलता, सो दैट यू नो लवली टाइम दैट आई एम स्पेंडिंग विद माय फैमिली, व्हिच इज़ द मोस्ट प्रेशियस यू नो टाइम फॉर मी, दैट्स इट। बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट आए हैं मेरे लिए, मेरे बहुत सारे जो लोग मुझे प्यार करते हैं, अभी मैं उनको फैंस नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा परिवार है, क्योंकि एक नो अजनबी होकर भी हम अजनबी नहीं रहे, वो मेरे लिए बहुत मेरे करीब हैं और मैं उनके लिए बहुत करीब हूँ, तो रिश्ता बन चुका है, तो अभी अजनबी नहीं है, अगर अजनबी होते तो इतना सारा प्यार मुझे मेरे बर्थडे पे ना आता, थैंक यू सो मच। और मैं अभी सभी गिफ्ट्स आपके सामने खोलने वाला हूँ, एंड थैंक यू, आई फील वेरी लाइक किंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम राजकोट, भूमि, या शी इज़ आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक इवेंट के लिए राजकोट में गया था, एंड दो जुड़ा बहनें हैं ये, और मेरे पहुंचने से पहले वो दो घंटे से वहाँ खड़ी हुई थी, मेरा इंतजार कर रही थी, सो स्वीट ऑफ देम, दे आर वेरी लवेबल, एंड बहुत सारे अपडेट्स वो डालते रहते हैं, थैंक यू सो मच भूमि, आई विल जस्ट ओपन इट अप, आई होप दे विल नॉट किल मी ओपनिंग इट अप इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस।
let's see. Oh wow. So, and I am really feeling so happy. Unbelievable. How much work, how much patience, itni sahanshilta is cheez ko banane ke liye. Wow, lovely. It's my favorite pictures outside. Me and my mom, mera chota bhai aur main, Simran Kapoor Suri and main, meri bhabhi aur main, my Aira, my niece and me, my dude with another dude, dono dude ki friend hai. It's a lovely picture, it's very precious to me, my mom and dad and me, so sweet of them. And finally, so I told you, ki ye log jante hain ki main kaisa hu, matlab parivar, to inhone mera pura parivar mujhe de diya hai. So sweet of you, yaar. Bhumi, thank you so much. So sweet. We made for each other, diya aur baatein. Wow. Wow. From jeet gaya to priya mere fan naam nahi likha inka, ye naam nahi likha, but jeet gaya to priya mere. Ha, maybe andar ho, let me open this. I still remember, मुझे मेरी दुनिया याद आ गई. I'll tell you, I'll share this one thing जो शायद किसी को नहीं पता. बहुत टाइम पहले जब मैं I think मैं कुछ दसवीं में था, तो एक्टिंग करनी थी, बॉम्बे आना था. तो मैं क्या करता था तब, पंजाब केसरी एक न्यूज़ पेपर अभी भी आता है, तो उन दिनों पंजाब केसरी आता था और उसमें ना हर स्टार के ना एक हर एक हर हर हफ्ते वीकेंड में एक स्टार का पूरा एक स्टोरी होती थी और पूरा एड्रेस होता था उसका नीचे. एंड आई वाज सो ब्यूटीफुल, सो फुल, आई वुड से दैट पता नहीं होता, तो मैं उस एड्रेस को नोट करता था और एक पोस्ट कार्ड जो उस टाइम में चलता था, पोस्ट कार्ड चलता था, तो पूरा कुछ लिख के ना मैं उनको लिख कर भेजा करता था उस एड्रेस पे कि प्लीज़ हेल्प मी, आई वांट टू बिकम एन एक्टर. कैन यू बिलीव दिस? इट्स प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल. I really don't know how many dreams I'm gonna catch, because there's already so many dream catcher. Thank you so much. I loved it. Okay, lovely girl. It's chai time. Thank you. Believe you are born to achieve. I believe the same thing. We all are born to achieve. Thank you. जिन्होंने gift भेजा उसका address लिखा है, घसीडाराम gift shop. Thank you so much, घसीडाराम जी. बोले ना इस तरह घसीडाराम की shop. Photocopy only gift item, not for sake, no commercial value. Okay, I think ये इन्होंने भेजा है media for you. Press वाला भी मेरे फैन है यार. Thank you so much, Mr. Rajendra Prasad. ये इतना प्यार किसी इतना समेट के भेजा हुआ है, आई मीन अपना प्यार आपने ऐसे मतलब समेट के भेजा ताकि किसी की नजर ना लग रहा है. ओके, ओह, ये प्यार बड़ा ही मजबूत है. कौन कम वक्त कहता है कि प्यार नाजुक होता है, कच्चे धागे की तरह होता है. आज ये प्रूव हो गया, प्यार वो है जिसे पंजाबी भी नहीं तोड़ सकता. पै यार आपके कप दिए हुए कप में तो मैं डेफिनेटली चाय पीऊंगा. सारा प्यार मुझे समेटना है अपने सीने में. सो स्वीट ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे केकीज़.
Thank you so much. Cheers. I'll have coffee in here, only in your cup. Thank you. Very, very nice. So sweet how it will work. Wow, that is really nice. Chalake dekh. Thank you. Sai Baba, thank you so much. Baba hai jo jo roshni leke aate hain hamari zindagi mein. Abhi aur bhi hain, I mean, like, I would love to share this also. ये बड़े ही परिवार बन चुके हैं ये भी हमारे कनाडा से हैं शोमा हैं जो हर पल हर ओकेजन पे कुछ ना कुछ पीसती रहती है मेरे लिए मेरे बड़े भाई के लिए आयरा के लिए सबके लिए पूरे परिवार के लिए और इसमें भी इन्होंने कुछ ऐसे ही भेजा है आई वुड लव टू शेयर दिस ऑल्सो सबका किया तो इनका कैसे छोड़ सकता है ना सी व्हाट ऑल दे हैव सेंट ओके मेरे अभी अभी मेरी भाभी को ना छोटा सा बेबी हुआ है उसका नाम रोहान है मेरा हीरो उसके लिए टी शर्ट है मेरी आयरा के लिए शी हैज सेंट दिस लवली टॉप ओके थैंक यू सो मच एंड ये सिमरन के लिए उन्होंने ये दो ब्रेसलेट्स भेजे हैं वहाँ से थैंक यू ये उन्होंने हाथ से बनाया है क्योंकि सिमरन चैंट करती है नमियो रहेंगे क्यों तो ये उन्होंने बना के भेजा है मेरे लिए उन्होंने बाबा का हाथ सोम साइन आउट ये एंड यू विल नॉट बिलीव कि उनके बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है आई मीन आई एम सो मच ब्लेसिंग्स फॉर द ऑल द किड्स एंड टू योर फैमिली They have made all these great things. Can you believe this? So, all the great things. छोटे बच्चे हैं उनके and बहुत लंबा एक पत्र भेजा हमारे लिए इतना प्यार थैंक यू ये उन्होंने अपने हाथों से बनाई है एक ठीक है आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन समवेयर आई हैव रीड अबाउट दिस बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें प्यार मिलता है अपनों से और बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जिन्हें प्यार अपनों के अलावा उन लोगों से मिलता है जो जिन्हें आप कभी मिले भी नहीं हैं आप उनके लिए अजनबी हैं वो आपके लिए अजनबी हैं टीवी के माध्यम से हम हमारा एक रिश्ता जुड़ा है उनसे और जब उनसे ये प्यार मिले तो आई थिंक उन कम लोगों में मेरा भी अगर नाम आया है तो मैं अपने आप को बहुत आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड समवेयर थोड़ा सा हूँ ब्लेस क्योंकि मैं आई एम नो बडी आई एम जस्ट अ ह्यूमन और इंसान को अगर इंसान से इतना प्यार मिल जाए जिनको आप जानते नहीं हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है सो थैंक यू सो मच मेरे जन्मदिन पर और मेरे जन्मदिन को याद रखने के लिए कभी कभार मुझे खुद का आई डोंट रिमेंबर मुझे अभी आज मैंने पढ़ा तो देखा 6 दिन रह गए मेरे बर्थडे पे किसी ने अपडेट लोग डालते रहते ना ऑल द फैंस दे कीप ऑन पुटिंग बट आप लोगों को याद है मेरा बर्थडे 1 महीने से मैं तैयारी देख रहा हूँ 1 महीने से आप सभी लोग अपडेट्स कर रहे हैं एडिट्स डाल रहे हैं पिक्चर्स डाल रहे हैं एंड विद लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कोटेशंस सून बहुत जल्दी आप मुझे देखेंगे ऑन स्क्रीन बाबा की कृपा से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक ही इज द वन उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा आगे मेरे लिए तो बहुत जल्द वो कुछ ना कुछ ऐसा चीज लेके आएंगे मेरे लिए जो जिसके माध्यम से आप मुझे फिर देख सकेंगे और फिर उतना ही प्यार आप मुझे देंगे सो थैंक यू यार थैंक यू मेकिंग माय डे सो स्पेशल थैंक यू सो मच लव यू ऑल थैंक यू